एक बड़ी कंपनी के गेट के सामने एक फेमस समोसे वाले की दुकान थी। लंच में अक्सर कंपनी के कर्मचारी वहां आकर समोसे खाया करते थे, लेकिन एक दिन कंपनी के मैनेजर समोसे खाते खाते समोसे वाले से मजाक के मूड में आ गए। मैनेजर साहब ने समोसे वाले से कहा कि यार गोपाल, तुम्हारी दुकान तुमने बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखी है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपना समय और अपना टैलेंट समोसे बेचकर वेस्ट कर रहे हो? सोचो तुम अगर मेरी तरह इस कंपनी में काम कर रहे होते तो आज कहां से कहां होते। हो सकता है कि शायद तुम भी आज मेरी तरह मैनेजर होते। इस बात पर समोसे वाले गोपाल ने बड़ा सोचा और बोला, सर ये मेरा काम आपके काम से कहीं बेहतर है। 10 साल पहले जब मैं टोकरी में समोसे बेचता था तब आपकी जॉब लगी थी, तब मैं महीना 1000 रुपए कमाता था और आपकी पगार थी 10,000। इन 10 सालों में हम दोनों ने खूब मेहनत की, आप सुपरवाइजर से मैनेजर बन गए और मैं टोकरी से इस प्रसिद्ध दुकान तक पहुंच गया। आज आप महीना 50,000 रुपया कमाते हैं और मैं महीना 2,00,000। लेकिन इस बात के लिए मैं अपने काम को आपके काम से बेहतर नहीं कह रहा हूँ, ये तो मैं बच्चों के कारण कह रहा हूँ। जरा सोचिए सर, मैंने तो बहुत कम कमाई पर धंधा शुरू किया था, मगर मेरे बेटे को ये सब नहीं झेलना पड़ेगा, मेरी दुकान मेरे बेटे को मिलेगी। मैंने जिंदगी में जो भी मेहनत की है उसका लाभ मेरे बच्चे उठाएंगे, जबकि आपकी जिंदगी भर की मेहनत का लाभ उठाएंगे आपके मालिक के बच्चे। अब आप अपने बेटे को डायरेक्टली अपनी पोस्ट पर तो नहीं बिठा सकते ना, उसे भी आप ही की तरह जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी और आपके कार्यकाल के अंत में वहीं पहुंच जाएगा जहां अभी आप हो, जबकि मेरा बेटा बिजनेस को यहां से और आगे ले जाएगा और अपने कार्य में हम सबसे बहुत आगे निकल जाएगा। अब आप ही बताइए किसका समय और टैलेंट बर्बाद हो रहा है। भाई मैनेजर साहब ने तो समोसे वाले को 2 समोसे के 20 रुपए दिए और बिना कुछ बोले वहाँ से खिसक लिए। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि मैं अपने एग्जाम में फेल हो गया और मेरे सभी दोस्त पास हो गए। अब वो माइक्रोसॉफ्ट में सिर्फ एक इंजीनियर है और मैं माइक्रोसॉफ्ट का मालिक। इसलिए कभी भी आपको लाइफ के रिजल्ट से निराश नहीं होना चाहिए, आप जहां पर हैं वहीं से नई शुरुआत कर सकते हैं, सफलता एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, अगर इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और प्रेरणादायी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।